subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. पिछले एक महीने से प्याज के दामों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, वही जगह आज की तारीख में 125 गाड़ियों की आवक एक एजेंसी बाजार में हुई है। प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है, वही प्याज आज की तारीख में 30 से 60 रुपये प्रति किलो तक प्याज बेचे जा रहे हैं। वही जगह इजिप्ट का भी माल आया है, पाकिस्तान का भी माल आ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र से भी माल की आवक भरपूर हो रही है, जिसके कारण व्यापारियों का मानना है कि और भी आने वाले समय में दामों में कमी देखने को मिल सकती है। वही जगह बाजार पूरा ठंडा दिख रहा है, मांगों में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। तो आइए मिलते हैं व्यापारी वर्ग से, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है प्याज के दामों के प्रति, आने वाले समय में क्या असर देखने को मिल सकता है प्याज के दामों। मैं अभी कल से एकदम नॉर्मल पोजीशन वनी चालू हो गई है, जहाँ तक आप देखेंगे कि नए प्याज 70-80 रुपये से लेकर 90 रुपये तक थे, वहाँ पर अभी राहत मिल के आवक बढ़ गई है आस्ते आस्ते। उसका मेन कारण गुजरात की भी आवक बढ़ गई है, गुजरात के साधारण 25 ट्रक यहाँ पे 20 से 22 25 ट्रक 8-10 दिन से आ रहे हैं, तो एक साइड से गुजरात की आवक है, एक साइड से जो महाराष्ट्र का जो संगमनेर इलाका है, संगमनेर है अहमदनगर, वो इलाके से अच्छे ढंग से 80-90 टेम्पो डेली के आ रहे हैं। उस ढंग से अभी कल का एवरेज और आज का देखेंगे तो लोगों को चॉइस मिली है, ठीक है, वो एकदम प्याज टिकने वाला प्याज नहीं है, लेकिन डे टू डे ग्राहक को बेचने के लिए जैसे 20 रुपये से 25 रुपये से लेके 50-60 रुपये तक, हाइएस्ट रेट तक 50 रुपये तक अच्छा प्याज मिल जाता है कि जो दो दिन में उनका ख़त्म हो जाए ऐसा, तो उनको भी चॉइस मिली है और रेट में भी 50% फ़र्क आने की संभावना है। आराम से अभी आज देखिए आज 10-11 तारीख है और एक हफ्ते के बाद में पूरी लेवल हो जाएगी, 20 से 30 रुपये के दरमियान के रेट हो जाएंगे, 20 तारीख के दरमियान, 20 तारीख के बाद में 20 से 25-30 रुपये की रेंज में प्याज मिल जाएगी। कांदे की आमदनी अब मुंबई कृषि बाजार समिति में वाशी में आज 27 ट्रक और 85 टेम्पो ऐसे मिला के 112 गाड़ी आमदनी हो गई है और आज नया प्याज 40 से लेकर 60 तक बिका है, सुपर माल 65 तक बिका है। तुर्कस्तान का एक कंटेनर मार्केट में आया है, वो 75-50 भाव से बिक रहा है, वो 75 रुपये भाव देख के लोकल डिमांड अगर देखे तो उसको तुर्कस्तान का माल को ज़्यादा उठाव नहीं है, डिमांड कम है, लोकल माल का भी उठाव होने लगा है। ये महीना थोड़ा ऊपर नीचे भाव आपको देखना पड़ेगा, चढ़ उतार आप देखेंगे अगले महीने से मार्केट डाउन होते चालू होगा। बारिश की वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ था, तभी हमको भी लग रहा था कि ऐसा हमारे को भी अनुमान नहीं था, हमको भी लग रहा था कि भाई प्याज शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, लेकिन प्याज की शॉर्टेज पड़ी, हमारे मार्केट में आवक कम आने लगी, बम्बई की डिमांड बढ़ने लगी, भाव बढ़ते गए, भाव पहुंच गए 130 हमारी मंडी के, लेकिन अभी 3 दिन पहले अचानक भाव आधे से आधा हो गए, जो 130 रुपये बिका था वो आज हमारे यहाँ पे मंडी में 80 रुपये बिक रहा है, जो 80 रुपये बिक रहा था वो आज 40 रुपये बिक रहा है, लेकिन ग्राहकी बिल्कुल नहीं, कांदे में बिल्कुल उठाव नहीं, आप नज़र मारिए बाकी मंडी भरी हुई पड़ी, ये यहाँ का ही नहीं है, पूरी ऑल इंडिया में ये हालत है। कितनी गाड़ी का होती है आज? 130 गाड़ी की आमदनी है और उठाव नहीं है, ठंडा है, ग्राहक की कोई मांग नहीं रहा, ग्राहक कुछ पूछ नहीं रहे, कांदे को जो पहले लावला हो रहा था, बम्बई वाले बोल रहे थे माल दो और माल नहीं मिल रहा था, अब कोई माल नहीं मांग रहा, कांदा नहीं मांग रहा। वीडियो पंकज रिपोर्ट आवाज़ टुडे।